रायबरेली में एक घर के भीतर सांपों ने डेरा जमा लिया। घर के भीतर अनगिनत सांपों के अचानक निकलने से गृह स्वामी की घिग्घी बन गई। फिलहाल रात के अंधेरे में अचानक सांप कहां से आ रहे हैं यह गृह स्वामी के भी समझ में नहीं आ रहा है। मामला सरेनी थाना इलाके का है। यहां राम गांव के रहने वाले रिजवान मोहम्मद मध्य रात में टॉयलेट जाने के लिए उठे तो दंग रह गए। उनके कमरे में छोटे बड़े सांप इधर उधर रेंग रहे थे। रिजवान दहशत से चीखने लगे। चीख सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे और सांपों को लाठी से पीट पीट कर मारने लगे। इस बीच कुछ सांप मारे गए जबकि कई रेंगते हुए इधर उधर भाग गए। फिलहाल कोई समझ नहीं पा रहा है कि अचानक रात के अंधेरे में 100 से 150 सांप कहां से आ गए। घर वाले के साथ ही ग्रामीण भी क्षेत्र के दहशत में हैं। वन विभाग को सूचना दी गई है। वन विभाग ने पहुंचकर राहत देने का कार्य किया। क्या नाम है? रिजवान मोहम्मद। कहां रहते हो? रामगांव में। क्या हुआ है? कालीगांव। क्या हुआ है? हमारे यहां रात 12 बजे से सांप निकलना शुरू हो गए हैं, अभी तक बंद नहीं हुए। जहाँ देखो तहाँ सांप ही मिल रहे हैं। सुबह कितने सर्प निकले? 100 से 150 के आसपास सर्प मार चुके हैं। अच्छा। हाँ, देर रात से निकल रहे हैं? हाँ, रात 12 बजे से निकलना शुरू हो गए।